हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। देखिए, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं, जिनको इंग्लिश में कोल्ड करंट और वार्म करंट के नाम से भी जाना जाता है। ठंडी और गर्म धाराएं आज हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। महासागरीय धाराओं में उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, तो हम पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक धाराएं, महासागरीय धाराओं में अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर की धाराओं में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम देख लेते हैं उत्तरी अटलांटिक धाराएं। देखिए, उत्तरी अटलांटिक धाराओं में सबसे पहले विषुवत रेखा पर हमेशा धाराएं चलती रहती हैं जो कि सीधी होती हैं। विषुवत रेखा पर हमेशा धाराएं चलती हैं जो कि हमेशा सीधी होती हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलती हैं, विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ भी और विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ भी ये सीधी चलती हैं। इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा। और इसको कहते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ओके, अब देखिए धाराएं क्या करती हैं कि समुद्र में धाराएं एक चक्र पूरा करती हैं, एक सर्कल जिसको कहते हैं, एक चक्र पूरा करती हैं। जैसे कि यहाँ भी उत्तरी अटलांटिक महासागरों का महासागरीय धाराओं का एक चक्र पूरा होगा। आइए एक चक्र पूरा करते हैं और एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसका चक्र पूरा करते हैं और याद करते जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से धारा चली उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, अब ये यहाँ पर आई, यहाँ पर इसको स्थलखंड मिल गया, अवरोध मिल गया। स्थलखंड का क्या मिल गया? अवरोध मिल गया। स्थलखंड का अवरोध मिलने से यह धारा उत्तर की तरफ घूम गई। किधर की तरफ घूम गई? उत्तर की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे ही ये धारा उत्तर की तरफ घूमी, यहाँ पे इसको फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा, जो कि गर्म धारा है। देखो, विषुवत रेखा के समीप जो भी धाराएं चलेंगी वह गर्म धारा होगी, और ऊपर से या नीचे से यानी दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से जो भी धाराएं आएंगी वो ठंडी होंगी, क्योंकि वो शीत कटिबंध से आ रही हैं, इसलिए वो ठंडी होंगी। विषुवत रेखा पे गर्म धाराएं चलेंगी क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आई, इसलिए इसको फ्लोरिडा धारा कहेंगे। और यहाँ पे एक जगह है फ्लोरिडा, इसलिए फ्लोरिडा धारा फ्लोरिडा से टकराती है, इसलिए इसको फ्लोरिडा धारा कहते हैं। अब ये धारा जब आगे बढ़ेगी, तो जैसे ही फ्लोरिडा से आगे बढ़ी, इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानेंगे। गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानेंगे। यहाँ पे एक जगह है दोस्तों, न्यूफाउंडलैंड, ठीक है, अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे एक जगह है न्यूफाउंडलैंड। अब ये गल्फ स्ट्रीम की धारा न्यूफाउंडलैंड की तरफ जहाँ यहाँ पे पहुँचती है, तो ऊपर से एक धारा आती है लेब्राडोर की धारा, जो कि कौन सी धारा है? ठंडी। इसको अलग से मैं बनाता हूँ, ठंडी धारा। लेब्राडोर की धारा आती है जिसको कहते हैं ठंडी धारा। इसका नाम क्या है? लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा, ठीक है। अब ये लेब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा से यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है? एक जगह है न्यूफाउंडलैंड, वहाँ पे मिलती है। और जब न्यूफाउंडलैंड में मिलती है दोस्तों, तो यहाँ पे गहरा कोहरा छा जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी गर्म धारा और ठंडी धारा मिलेगी वहाँ पे कोहरे का विकास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोहरे का विकास होता है, तो एक गर्म धारा और ठंडी धारा के मिलने से नीचे से कुछ तत्व आते हैं, कुछ समुद्री तत्व आते हैं, खनिज तत्व आते हैं, जिसको खाने के लिए मछलियाँ यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे एक घास पाई जाती है प्लैंकटन नाम की, ठीक है, प्लैंकटन नाम की एक घास पाई जाती है जिसको खाने के लिए मछलियाँ यहाँ पे आती हैं और उनका शिकार यहाँ पे किया जाता है। यानी यहाँ पे मत्स्य उद्योग विकसित है। क्या है? मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग, यहाँ पे मत्स्य उद्योग विकसित है।
यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं बैंक। इस बैंक पे क्या पकड़ी जाती हैं? मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, प्लैंकटन का विकास होता है जिसको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेब्राडोर की धारा आती है और एक धारा ये इधर से आती है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ये भी ठंडी धारा है, ठीक है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा आती है, ये भी ठंडी धारा है। यह धारा आकर के लेब्राडोर की धारा में मिल जाती है, लेब्राडोर की धारा में मिल जाती है, और सारी धाराएं, गल्फ स्ट्रीम की धारा, लेब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड को लिख देते हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, की धारा अब यहां पे मिल गई। अब देखिए, यहां से ठंडी धारा जब मिल जाती है तो यहीं पे एक, यहीं से क्या होती है, ऊपर नहीं जा पाती बल्कि यहां की तरफ, पूर्व की तरफ घूम जाती है यह गर्म धारा। इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। अभी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहां तक चला जाता है? आसा अंतरीप तक, यह अंतरीप तक चला जाता है, नार्वे के किनारे किनारे बहता हुआ ऊपर तक चला जाता है और यहां पे इंग्लैंड से टकरा करके एक धारा घूम जाती है दक्षिण की तरफ, ठीक है, दक्षिण की तरफ। जो दक्षिण की तरफ घूम जाती है तो यहां से देखिए, अब ये ठंडी हो गई क्योंकि ऊपर से आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से नीचे आती हुई धारा ठंडी होगी, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से ऊपर आती हुई धारा ठंडी होगी। इसको हम यहां से ठंडी धारा बनाते हैं। यह जब यहां से घूमती है, नॉर्वे के तट से टकराती है, नॉर्वे और ग्रीनलैंड इंग्लैंड के तट से टकराती है, तो ये ठंडी धारा हो जाती है, ठंडी धारा, ठीक है। जहां इसको कनारी धारा के नाम से जाना जाता है, कनारी धारा के नाम से, कनारी धारा के नाम से इसको जाना जाता है, जो अफ्रीका के तट के सहारे सहारे चलती है और नीचे आकर के विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है, मिल जाती है, विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। ये एक क्या हुआ, चक्र तैयार हो गया धाराओं का, इस धारा ने एक चक्र तैयार कर दिया। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो कि भूमध्य रेखा के किनारे किनारे चली उत्तर की तरफ, ये आगे आई फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा से टकराई, फ्लोरिडा की धारा बनी, उसके बाद ऊपर आई गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा न्यूफाउंडलैंड की एक जगह है, वहाँ पे लेब्राडोर की धारा से मिल जाती है और यहाँ से पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा भी आके यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे प्लैंकटन का विकास होता है जिसकी वजह से यहाँ पे मछलियों का, मछलियाँ उसको खाने के लिए आती हैं और मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये गर्म धारा एक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे चला जाता है पूर्व की तरफ और यहाँ पे नॉर्वे के किनारे किनारे आसा अंतरीप तक चला जाता है और यहाँ पे इंग्लैंड के सहारे सहारे एक शाखा इसकी नीचे की तरफ घूम जाती है जो अफ्रीका के किनारे किनारे कनारी की धारा के रूप में जानी जाती है और आकर के विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। अब देखिए इसी तरह से नीचे देख लीजिए, ये उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, ये इसको दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहेंगे, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये भी गर्म ही है, ठीक है, ये भी गर्म धारा ही है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, गर्म धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। यहां पे आकर के यह धारा नीचे, यहां पे देखिए अवरोध आ गया, अवरोध आ गया, यह ब्राजील के तट से टकरा करके नीचे किनारे किनारे घूम जाती है जिसको कहते हैं ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा, यह भी गर्म धारा है, ठीक है, ब्राजील की धारा। अब यह जब नीचे आती है, ब्राजील की धारा नीचे आती है तो यहाँ से, जब ब्राजील की धारा नीचे आती है तो यहाँ से फॉकलैंड की धारा, जिसको कहते हैं, देखिए अंटार्कटिक महासागर से एक धारा आती है जो कि फॉकलैंड के नाम से जानी जाती है, ये ठंडी होती है, फॉकलैंड, फॉकलैंड की धारा, ठीक है, यह ठंडी होती है, यहाँ पे आकर के मिल जाती है। ऊपर से ब्राजील की धारा, नीचे से फॉकलैंड की धारा आई और यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ से एक पछुआ पवन ड्रिफ्ट, देखिए 30 डिग्री के नीचे पछुआ पवन चलती है, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे पछुआ पवन प्रवाह होता है, पछुआ पवन प्रवाह जिसको कहते हैं पछुआ पवन ड्रिफ्ट, ये ठंडी होती है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट के प्रभाव में आकर के यह धारा पूरब की तरफ आती है और यहाँ पे
बेंगुला धारा के नाम से जानी जाती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, पश्चिमी तट के सहारे सहारे ऊपर की तरफ होती है, जिसको कहते हैं बेंगुला धारा, बेंगुला धारा। ठीक है, ये भी एक ठंडी धारा है, क्योंकि मैंने बताया था दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से ऊपर आती हुई धारा ठंडी धारा होगी, और यह आकर के दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इन धाराओं का भी एक चक्र पूरा हो गया, और यहीं पे एक चलती है एंटी इक्विटोरियल करेंट, जो भी गर्म होती है, जिसको कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा। उम्मीद करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं को आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।